हम लोगों ने प्रकाश के वर्तन के बारे में हल्का फुल्का जो है वो जाना था। कोई बता सकता वर्तन वाली घटना क्या है? हाँ तुम बताओ। हाँ हाँ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आप लोग ये देख रहे होंगे, ये क्या है? कांच का ग्लास। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी है, ठीक है। और एक पेंसिल डली हुई है। ये पेंसिल क्या बिल्कुल हूबहू वैसी ही दिख रही है? जाना चाहिए वैसी ना जा करके थोड़ा सा मुड़ी हुई भी दिख रही है। yes, ना दिख रही है? yes, तो यहाँ पर जो है ये पेंसिल आपको थोड़ी जो मुड़ी हुई दिख रही है इसके पीछे भी कौन सी घटना है आपकी? अपवर्तन की घटना। कैसे? देखो यहाँ जो पेंसिल है ऊपर की तरफ जो रखी हुई है उसका माध्यम क्या है? वायु है ना, यानी हवा है, जो कि आपका कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है? विरल माध्यम है। विरल मतलब होता है फैले हुए, सघन मतलब आपस में जुड़े हुए। तो यहाँ विरल माध्यम है और इसके अंदर देखो कांच है जो कि एक दूसरा माध्यम है। और यहाँ पर देखिए आप ऐसे भी देखेंगे तो आपको इसकी जो पेंसिल है वो थोड़ा टेढ़ी ही दिखाई देगी। और अंदर जो है वो माध्यम कौन सा है? पानी। पानी जो है दूसरा माध्यम है जो हवा की तुलना में क्या है? थोड़ा सा सघन है, ठीक। और कांच का ग्लास जो है और भी ज़्यादा सघन है, ठीक है। तो यहाँ पर विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरणें जो है सघन माध्यम में या कोई भी वस्तु जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर हम देख रहे हैं तो वो हमें थोड़ा सा मुड़ी हुई सी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश की किरणें जो हैं मुड़ी हुई क्यों प्रतीत हो रही है? क्योंकि उसमें अपवर्तन की घटना हो रही है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, हवा से पानी में प्रवेश कर रही हैं, माध्यम चेंज हुआ, अपने मार्ग से वो क्या हो रही हैं? विचलित हो रही हैं, तभी वो हमें मुड़ी हुई पेंसिल दिखाई दे रही है। तो इसी को क्या कहा जाएगा? प्रकाश की अपवर्तन की घटना कहा जाता है। इसके लिए देखो ये आपको दिख रहा होगा एक कांच का गुटका है जिसे ग्लास स्लैब कहा जाता है। इसका जो है हम लोग प्रयोग भी करेंगे। इस कांच के स्लैब में से अगर आप कोई अक्षर को देखेंगे, बुक के अक्षर को या किसी भी अक्षर को, तो वो आपको थोड़े से उठे हुए प्रतीत होंगे। ऐसा लगेगा कि अक्षर जो है वो थोड़ा सा उठे हुए हैं। ये देखिए ऐसे चलाएंगे तो आपको लगेगा कि अक्षर जो है थोड़े से जो है वो अपने जो है उसे थोड़े से ऊपर की ओर उभरे हुए या उठे हुए प्रतीत होंगे, ठीक है। तो ये भी इसमें भी माध्यम चेंज हो रहा है, प्रकाश की किरणें हवा से या क्या कहा जाए कि वायु से जो है कांच के अंदर प्रवेश कर रही हैं और वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी। तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना का हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, आपके कोर्स में भी है, लैब में हम इसका प्रयोग भी करेंगे और अपवर्तन की घटना को स्वयं देखेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है, आपको तब समझ में आएगा। कल हम लोगों ने कुछ बच्चों ने किया था, देखा था ना? तो आज लेके आए हो ब्रेन पेपर और पेन वगैरह? जो लेके आए हैं वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपवर्तन की घटना जो है क्या है? जब प्रकाश जो है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यही प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। अब यहाँ पर माध्यम चेंज होने पर कैसा विचलन होगा, कितना विचलन होगा, तो यही जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम में आएगा। अब जिस तरीके से हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन का नियम पढ़ा था उसी तरीके से जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। परावर्तन के नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम कौन बताएगा? और एक ही तल में होते हैं, ये आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम पता था। अब यहाँ पर देखो ये वही दिया हुआ है, कांच के बर्तन में रखे पानी में पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे हुए अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्यों टेढ़ी जो है वो प्रतीत होगी। फिर कांच के बर्तन में रखे नींबू को अगर आप देखेंगे या कोई दूसरी चीज, यहाँ पर आप एक चीज और देख रहे होंगे, इसका आकार जो है ऊपर जो दिख रही है पतली, यहाँ अंदर दिख रहा है क्या बड़ा है। तो इसी तरह अगर आप नींबू डालेंगे तो नींबू का आकार जो है वो वास्तविक साइज से पार्श्व साइड, यानी कि हम यहाँ साइड से देख रहे हैं, जब इसको ऊपर से देखेंगे
अगर हमने इस ये जो पेंसिल है इसको ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो टेढ़ी दिखाई देगी लेकिन आकार वही दिखाई देगा, अगर साइड से देख रहे हैं तो पेंसिल क्या दिख रही है, मोटी। उसी तरीके से अगर हम नींबू डालेंगे तो नींबू भी अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से कई बार आप जो है इस घटना का अवलोकन करते हैं, देखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि उसमें क्या साइंस है। तो इसके लिए जो है अपवर्तन की घटना जो है जिम्मेदार है, इसी कारण अपवर्तन की घटना के कारण ही ऐसा होता है। यहाँ पर हमने अभी देखा कांच का जो स्लैब है उस पर देखेंगे तो अक्षर भी क्या हुए, क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, उठे हुए हो रहे हैं। इसमें कई एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं कि अगर मेज पर एक कटोरा रखना है, उसकी कड़ी में छिलका डालना है और इसके बाद दूर से जो है दूर होते जाएंगे और जब वो हमें दिखना बंद कर देगा वहाँ तक रहेंगे। इसका क्या करेंगे, पानी और डालेंगे तो जो है धीरे धीरे करके जो है पानी डालेंगे तो क्या देखेंगे आप, सिकना जो है वो फिर से जो है पुनः दिखाई देने लगेगा। और ये क्यों होता है, अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसी कारण हमको फिर से दिखाई देने लगता है। उसी तरीके से यहाँ पर सीधी रेखा देखेंगे और खींचेंगे सफेद कागज में और कांच के स्लैब में से देखेंगे तो ये जो है हमें रेखा थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी या गोल गोल बनाती हुई दिखाई देगी। इसी और ये एक्सपेरिमेंट है जो प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए जो है हम लैब में करेंगे, जिसमें हम आर्किंग का प्रयोग करते हुए जो है वो देखेंगे किस तरीके से अपवर्तन की घटना होगी। यहाँ पर देखिए अपवर्तन की घटना में ये आपका चित्र है, ये कांच का गुटका है। यहाँ पर हम जो है जो आज एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें दो फिनेल लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, इसके हम कांच का गुटका रखेंगे और दूसरी तरफ से यानी साइड से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से देखेंगे कि दोनों फिनेल जो है एक सीन में दिखाई दे और उसके बाद जो है दो और फिन लेकर के उन्हीं फिनों के सीन में जो आपको दिखाई दे रही है एक सीन में वहाँ पर जो है दो और फिनों को हम रखेंगे और तब आप देखेंगे चारों फिनें जो है एक ही सीन में दिखाई देगी, केवल सामने वाली फिन आपको दिखाई देगी, बाकी कोई पीछे वाली फिन दिखाई नहीं देगी, यानी एक ही लाइन में सभी फिनें दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखिए यही जो है इसको जब कांच का गुटका आप हटाएंगे और जब आप उसमें लाइन खींचेंगे कि वास्तव में हुआ क्या, तो ये जो सीधी लाइन तो हमारी ऐसी है यानी हमें ऐसे प्रकाश की किरण को जाना चाहिए सीधा, मगर इसका मतलब क्या हो रहा है, अंदर आप देखेंगे अपने मार्ग से जो है वो विचलित हो जा रही है। तो ये जो अब यहाँ पर इसके टर्म समझिए कि किसको क्या बोलते हैं, अगर प्रकाश की किरण ये आ रही है तो इसको कौन सी किरण कहा जाएगा, ये आने वाली किरण इसको क्या कहा जाएगा, आपतित किरण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा बिंदु होगा, आपतन बिंदु, कौन सा बिंदु होगा, ये आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये सही नहीं है यहाँ पे, ये वाला बिंदु, वो बिंदु जो दिख रहा है ना ये कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पर और इसके बाद प्रकाश की किरण देख रहे हैं, जब यहाँ यहाँ कौन सा माध्यम है, वायु, कौन सा माध्यम है, वायु, वायु है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कांच का स्लैब है यानी यहाँ पे माध्यम क्या हो गया, कांच। ठीक, तो यहाँ पर माध्यम कैसा हो गया, विरल, विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हैं तो यहाँ पर हमने अपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा है तो आप देखेंगे कि वो अभिलंब की ओर झुक रही है, ये एंगल आपका बड़ा है, ये एंगल छोटा है, यानी अभिलंब की ओर झुक रही है। अब यहाँ पर जब यही प्रकाश की किरण आगे जो है, अब यहाँ तो सारा माध्यम एक जैसा है कांच का, तो ये प्रकाश की किरण सीधे जाएगी, फिर जब ये प्रकाश की किरण बाहर की ओर आएगी तो यहाँ पर भी आपको एक अभिलंब जो है मिलेगा और आप देखेंगे ये प्रकाश की किरण अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट रही है, ये कोण जो है कम है और उसका ये कोण जो है आपका ज्यादा है, यानी अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है। अब कब ऐसा हो रहा है, जब माध्यम क्या है, सघन, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ रही है इस घटना में। अब यहाँ पर जो ये वाला कोण है अभिलंब के साथ बनने वाला कोण, आपकी किरण के साथ क्या है, ये आपतन कोण कहलाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर चूंकि घटना क्या हो रही है, अपवर्तन की हो रही है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक है,
सबको समझ में आ रहा है? ये कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण। अब यहाँ पर देखो एक किरण जो है वो बाहर की ओर आ रही है, इस किरण को हम निर्गत किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्गत किरण बोलेंगे। और ये वाला कोण जो रहेगा, ये वाला कोण क्या कहलाएगा? निर्गत कोण कहलाएगा। ठीक है, ये वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतित किरण, आपतन कोण, अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण, निर्गत किरण, निर्गत कोण। समझ में आया? आपतित किरण बोलिए, आपतन किरण, आपतित किरण के साथ कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण। अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण, निर्गत किरण, निर्गत कोण। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। ठीक है, और जब भी प्रकाश की किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, वापस वायु में आ रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाएंगी। अब यहाँ पर ये तो हो गई अपवर्तन की घटना, और इसको कांच के रुके में हमने समझ लिया। अगर हम बात करें यहाँ पर अपवर्तन के नियम की, ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से जो है परावर्तन के नियम है, उसी तरीके से अपवर्तन के भी दो नियम हैं। कौन से नियम है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित तो यहाँ है नहीं, परावर्तन की घटना यहाँ नहीं हो रही, यहाँ कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन की। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु का अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। जो आपका प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम था, सेम वैसा ही ये नियम है आपतित किरण। अब यहाँ पे परावर्तन तो हो नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, यही नियम था ना आपका परावर्तन का। और यहाँ पर परावर्तित किरण था आपतित किरण की जगह पे, और इसमें बिल्कुल इसी तरीके से होगा आपतित किरण, क्योंकि इसमें घटना कौन सी हो रही है? अपवर्तन की। तो अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पर दूसरे नियम पर आइए। दूसरा नियम जो है वो कह रहा है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है जो मैथ्स पढ़ेंगे उनको पता होगा, साइन को बोला जाता है ज्या। तो यहाँ पर आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुवाद जो है वो स्थिर होता है। यहाँ पर एक बार आप चित्र में फिर से देखिए क्या चीज है वो कोण, यानी एंगल आई दिख रहा है, कौन सा कोण है? एंगल आई। एंगल आई का मतलब ये कोण का क्या था, इसका नाम क्या हमने बताया था? आपतन कोण। आपतन कोण था ना, ये आपतन कोण हो गया, ये कौन सा कोण था? अपवर्तन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, इनकी ज्या, ज्या का मतलब हुआ यानी साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, इनका अनुपात क्या होगा? एक नियतांक या स्थिरांक होगा, यानी कि क्या हो जाएगा आप समझ लीजिए कि साइन आई बटे साइन आर, ये एन लिखा, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होगा, जिसको जनरली हम म्यू से दिखाते हैं। और यहाँ पर ये एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो है वो नियतांक कहलाएगा या स्थिरांक कहा जाता है, यही जो है अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए नियम दूसरा क्या है, आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात जो है वो स्थिर होता है, इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है। और इसके लिए जो जनरली एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम ही होगा, जो प्रकाश की किरण जो आएगी 90 डिग्री से कम आई है उसके लिए ये नियम जो है वो सत्य होगा। यानी कि अगर आपतन कोण आई और आर अपवर्तन कोण दो, तो क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर बराबर एक स्थिरांक होगा, जिसको हम जैसे म्यू से दिखाते हैं, जो मैंने अभी चिन्ह बनाया था वो क्या था? म्यू। ठीक है, तो म्यू रीड किया जाता है, और इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो है वो के सापेक्ष जो है अपवर्तनांक जो है कहा जाता है। और यहाँ पर यही दो जो है क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। यहाँ पे परावर्तन लिखा है, परावर्तन की जगह क्या कर देना है? अपवर्तन, गलत लिखा है, अपवर्तन की बात कर
तो विकास के अपवर्तन के नियम हैं। अब यहाँ पर है अपवर्तनांक, ठीक। तो यहाँ पर देखो अपवर्तनांक की यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपने देखा कि प्रकाश की किरण जो है तिरछी गमन करती हुई अगर जा रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तिरछी, समझ में आ रहा है ना, यानी थोड़ा सा टेढ़ी होकर जा रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जा रही है, हिल जा रही है या विचलित हो जा रही है ना। तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर देखो अपवर्तनांक की बात की गई कि अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक को जो है उसमें किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर माध्यम एक में प्रकाश की जो चाल होगी, ठीक, यानी V1, और माध्यम दो में प्रकाश की चाल को बटे कर देंगे, तो वो एक माध्यम के सापेक्ष जो है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा। अब यहाँ पर 2-1 लिखा गया है, यानी कि प्रकाश की चाल जो है अगर मान लीजिए माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर आपको ज्ञात करना है, माध्यम 2 का, ठीक है, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, यानी जो दूसरा माध्यम है उसका 1 माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, तो उसको 2-1 लिखेंगे, ठीक है। जब 2-1 लिखेंगे तो जो 2 पहले आया है वो नीचे रहेगा और जो 1 आया है वो ऊपर रहेगा। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी V1 बटे V2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें मान लीजिए माध्यम आया कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो इसको N12 कहा जाएगा, और यहाँ पे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, यानी V2 बटे V1 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर यही चित्र दिखाया गया है, अपवर्तन की घटना दिखाई गई है, उसी के लिए बात की गई है। यहाँ पर एक सारणी आपकी बनी होगी जिसमें आपको कई जो है चीजों के जो है माध्यम में अपवर्तनांक दिए गए हैं, ठीक है। तो उसका अपवर्तनांक जैसे वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, जनरली 2 या 3 याद कर लीजिए, बाकी सबकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो वायु का अपवर्तनांक आप याद कर लीजिएगा 1.0003, ठीक है, ये हो गया। पानी का अपवर्तनांक 1.33, ठीक। इसके बाद ग्राउंड बात का याद कर लीजिए 1.52, ठीक है। उसके बाद जो है ये हीरे का याद कर लीजिए 2.4। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, हाँ, तो यानी कि जो सघन माध्यम है उसमें अपवर्तनांक क्या है, कम है, और जो सबसे कठोर है, हीरा सबसे कठोर धातु होती है, तो उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, ठीक है। बाकी सबके याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन दिया गया है। तो आप यहाँ पर जो है वो वायु और पानी, ठीक है, और उसके बाद ब्राउन कांच और हीरा, इनके अपवर्तनांक चार के आप जो है याद कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट है गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन की गणना, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज का समझ में आया सबको? यस मैम। अगर आ गया तो बताइए अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के दोनों नियम कौन बताएगा, अपवर्तन की घटना क्या है और अपवर्तन के दोनों नियम आपको बताने हैं। हाँ निधि बताओ, बताओ बताओ, जितना आ रहा है उतना बताओ। प्रकाश का अपवर्तन है, वेरी गुड। वेरी गुड, हाँ। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम याद ना रहे तो सीधे सीधे बोल दो, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू स्थिरांक या म्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब करो कि साइन आई क्या है, साइन आर क्या है। आई एंगल को क्या बोला जाता है, आपतन कोण, यानी आपतन कोण की साइन का मतलब क्या होता है, ज्या, है ना, आपतन कोण की ज्या। और दूसरा नहीं, दूसरा क्या है, आर क्या है, हाँ अपवर्तन कोण, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, यही दूसरा नियम है, याद हो गया इसको, इसको दोनों नियम याद हो गए। हाथ ऊपर करो जरा, देखे याद हो गए, चलो तब भी बहुत याद हो गया, वेरी गुड, तब भी
आठ दस हाथ उठ रहे हो उधर, याद कर लेना ठीक है। बहुत ही आसान है, जैसे परावर्तन का नियम था वैसे अपवर्तन का नियम है, और एक दूसरा नियम जो है वो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू स्थिरांक हो गया। ठीक है, चलो कल आगे पढ़ेंगे।